हम लोग कुछ बुक्स देखने जा रहे हैं जो कि आपके मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बुक है इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, जो कि अरिहंत ने पब्लिश किया है। इसके ऑथर हैं राजीव मनोचा। इस बुक की कुछ चैप्टर्स हम देखें तो चैप्टर्स हैं हमारे थ्योरी ऑफ नंबर, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, कॉम्बिनेट्रिक्स, ज्योमेट्री एंड फंक्शंस। ये 6 चैप्टर ही हमारा सिलेबस है किसी भी ओलंपियाड के लिए, वो क्यों ना प्री आरएमओ हो, आरएमओ हो या फिर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए। तो यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन इनसे बस आप 3 चैप्टर ही पढ़ना। यदि आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर है, थ्योरी ऑफ नंबर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इन इक्वालिटीज़ या कॉम्बिनेट्रिक्स भी आप पढ़ सकते हो, ये दोनों चैप्टर आप बिल्कुल इस बुक से नहीं पढ़ना, क्योंकि ज्योमेट्री इसमें काफ़ी बेसिक दे रखा है, बस फॉर्मूलेज हैं। और फंक्शन इसमें जेई मेंस और एडवांस का दे रखा है, जो कि ओलंपियाड से इसे कुछ लेना देना नहीं। तो ये अच्छा बुक है, आप इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, हॉलन नाइट हायर एल्जेब्रा। ये एक्चुअली ओलंपियाड के लिए नहीं है, लेकिन ओलंपियाड के तैयारी के लिए जो भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए उसे आप इस बुक से क्लियर कर सकते हो। इसमें सभी बेसिक टॉपिक्स कवर हैं जो कि आप 7, 8, 9 क्लास में पढ़ते हो, लेकिन अच्छे लेवल पे दे रखा है। जैसे आप रेशियो इसमें पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रोपोर्शन है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो आप 11th के बुक से पढ़ सकते हो। और इसमें से आप पढ़ सकते हो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन काफ़ी अच्छा दे रखा है, और बाइनोमियल आप इससे पढ़ सकते हो। और एक चैप्टर मैं ज़रूर बोलूँगा, थ्योरी ऑफ नंबर इस चैप्टर में बेसिक दे रखा है लेकिन अच्छा है, आप इससे पढ़ो। ठीक, तो ये था हॉलन नाइट। नेक्स्ट बुक है मैथमेटिकल सर्कल, ये एक रशियन बुक है, डेमेट्री फॉर्मिन इसके ऑथर हैं। इसके चैप्टर देखें तो इसे 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 है फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन, मुझे लगता है ये बुक किसी कॉलेज का होगा। इसकी सिलेबस किसी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग दे रखा है। लेकिन यदि आप सेकंड पार्ट देखो तो इसमें डिविजिबिलिटी है, कॉन्ग्रेंसेस एंड कॉम्बिनेट्रिक्स है, ग्राफ है एंड ज्योमेट्री है। तो इसमें कुछ चैप्टर हैं जो कि मैच करता है हमारे ओलंपियाड के सिलेबस से, तो इसे आप पढ़ो। लेकिन इसमें सभी टॉपिक्स कवर नहीं कर रखा, जैसे कि फंक्शन इसमें बिल्कुल नहीं है, ज्योमेट्री भी अच्छे से इसमें नहीं दे रखा। तो आप पढ़ो इससे, लेकिन इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स छोड़ रखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा बुक है, इसे तो सबको ही जानता होगा, चैलेंज एंड थ्रिल ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, वी कृष्णा मूर्ति एंड बीजे वेंकट चला। ठीक, पब्लिशर है न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स। ओके, ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप यदि आपको ओलंपियाड की जियोमेट्री पढ़नी है तो सिर्फ इस बुक से आप पढ़ो, और कोई बुक को ना छुओ। और सभी टॉपिक्स जो रिमेनिंग है, जैसे कि फंक्शन थ्योरी, नंबर थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इस बुक में उतना अच्छा नहीं दे रखा, लेकिन ज्योमेट्री इसका काफ़ी अच्छा है। तो ज्योमेट्री यदि आपको ओलंपियाड के लिए पढ़ना है तो इसे फॉलो करो। ठीक, ज्योमेट्री नो डाउट बहुत अच्छा है। आप देखो, क्वेश्चन देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन लगा भी रखे हैं, क्वेश्चन इसके ज्योमेट्री के, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है ओलंपियाड के ज्योमेट्री के लिए, आप इसे फॉलो करो। ओके, नेक्स्ट बुक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये सेकंड टॉपिक है, जैसा आप जानते हो, जेवी उस्पेंस की, ये TMH एडिशन का है, इसके ऑथर है उस्पेंस की।
न्यू दिल्ली बॉम्बे, ये काफ़ी पुरानी बुक है, क्या पता कहाँ से मुझे मिल गई, मैंने इसे लिया था पता नहीं कहाँ। ये 1948 की बुक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। जो सेकंड टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो इसे आप पढ़ो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी जितने भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड होते हैं, सभी इस बुक में दे रखा है, तो ओलंपियाड के लिए आप इसे प्रेफर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बुक, जो हमारा ओलंपियाड का पहला टॉपिक था, द थ्योरी ऑफ नंबर, इससे बेहतरीन बुक कोई नहीं है। आप देखो, एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ नंबर्स, ये विल्ली स्टूडेंट एडिशन की है, विल्ली। इसके टॉपिक्स हम देखें, सॉरी, टॉपिक्स जितने भी हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी, कॉन्करेंसेस, क्वाड्रेटिक फॉर्म, प्राइम एंड मल्टीप्लिकेटिव नंबर थ्योरी, एंड इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। तो नंबर ऑफ थ्योरी यदि आपको पढ़ना है, नंबर थ्योरी पढ़ना है, तो इस बुक से आप पढ़ो, ओलंपियाड के एक एक क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। ओके, तो अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक था, हमारा देखो पहला टॉपिक था नंबर थ्योरी, उसका हमने बुक देख लिया। सेकंड था थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसका बुक देख लिया। थर्ड है हमारा कॉम्बिनेट्रिक्स, कॉम्बिनेट्रिक्स के लिए आप जेईई मेंस एडवांस के लिए पढ़ो, उससे आपका काम हो जाएगा। ओके, फिर हमारा टॉपिक था जियोमेट्री, जियोमेट्री के लिए मैंने बता दिया आपको कौन सी बुक पढ़नी है, हायर प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। ओके, ये इसके ऑथर कौन थे, बीजे वेंकट चला। अब देखो जो लास्ट टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन, सेम ऑथर, प्रिज्म पब्लिशर है। फंक्शनल इक्वेशन की ऐसी बुक कोई नहीं है इंडिया में अवेलेबल, आप इससे पढ़ो, ये स्पेशली ओलंपियाड के लिए बनाया गया है, प्रॉब्लम्स फ्रॉम मैथमेटिकल ओलंपियाड्स एंड अदर कॉन्टेस्ट। आप एक एक क्वेश्चन समझ पाओगे ओलंपियाड के, सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन इसमें भर रखा है इन्होंने, तो आप इसको ज़रूर ही सॉल्व करें। और लास्ट हमारा बुक है एन एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स, इसके राइटर हैं मोदक, एस ए कैटरे, वीवी आचार्य, शोला पुरकर। ओके, एडिशन है पुणे का कोई। ओके, तो अब देखो ये बुक, इस बुक में चार टॉपिक इन्होंने कवर कर रखा है, नंबर थ्योरी, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। काफ़ी कॉन्साइज है, लेकिन इसे स्पेशली ओलंपियाड के लिए, आरएमओ, प्री आरएमओ, आईएनएमओ के लिए बनाया गया है। इसमें फंक्शन इन्होंने नहीं दे रखा, फंक्शन को इन्होंने शायद एलजेब्रा में ही कवर कर रखा है, यहाँ देखो फंक्शनल इक्वेशन। लेकिन कॉन्साइज वे में ये बुक काफ़ी अच्छी है, तो सबसे लास्ट में बोलूँगा कि इसे आप सभी जो सेपरेट बुक हैं उसे कवर करने के बाद आप इसे बनाओ, ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको लगता है ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आगे के दिन भी आपको मदद करते रहूँगा जितना भी हो सके। थैंक यू सो मच।